मई माह का करंट जी के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन अपने डायरेक्ट उत्तर करेंगे क्योंकि समय इसके अंदर बहुत लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, यह भारत का स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। बीसीसीआई ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए भारत की टीम की घोषणा की। इस टीम में कप्तान कौन होगा? तो इसके अंदर कप्तान होंगे रोहित शर्मा साहब। अगला प्रश्न। 99 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर चाकीसारस की खोज किस देश में की गई थी? तो ये की गई थी अर्जेंटीना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रोडक्शन ने अपने डेमन 7-9 एपिसोड के लिए BAFTA बफ्टा टेलीविज़न क्राफ्ट अवार्ड्स में 2 बफ्टा जीते? तो ये जीते हैं ब्लैक मिरर। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अप्रैल 2024 में पाकिस्तान के लिए कितनी ऋण किस्त को मंजूरी दी है? तो ये दी है 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर। अगला प्रश्न। किस देश ने पाकिस्तान के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च की? तो ये हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में एशियाई युवा शतरंज चैम्पियनशिप में अंडर 8 रैपिड और ब्लिट्ज श्रेणी में स्वर्ण और क्लासिकल श्रेणी में रजत किसने जीता? तो ये जीता है AS शर्वानी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ खान मंत्रालय के समझौता ज्ञापन से संबंधित 2 दिवसीय महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी कोविशील्ड से दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। भारत में किस कंपनी ने यह वैक्सीन विकसित की है? तो ये की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 59वीं मलेशिया आमंत्रण आयु समूह प्रतियोगिता में 16 से 18 आयु वर्ग के 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में अंतर्राष्ट्रीय पदक किसने जीता? तो ये जीता है युग चलानी ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा EVM VVPAT सत्यापन याचिकाओं को खारिज किए जाने पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोल्डमैन सक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य क्या है? मई 2024 के अनुसार 800 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न। भारतीय लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी ने 100% महिला नेतृत्व वाला हब कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया है सीकर, राजस्थान में। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न। अध्ययन में उपयोग किए गए किस चंद्र ऑर्बिटर के रडार डेटा से पता चला है कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्रेटर में अपेक्षा से अधिक उपसतह जल बर्फ में हो सकती है? तो ये लूनर रिकॉन्सिसेंस ऑर्बिटर LRO। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यापारिक साझेदारी के मामले में भारत 2023 में मालदीव के साथ किस नंबर पर रहा? तो ये रहा पहले नंबर पर। अगला प्रश्न। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रतिमा सिंह, IRS हैं ये। अगला प्रश्न। किस IIT को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है IIT पटना को। अगला प्रश्न। भारतीय स्टार्टअप ई प्लेन कंपनी किस IIT से शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है IIT मद्रास। अगला प्रश्न। मई 2024 में भारत ने किस देश के साथ दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है इजराइल।
अगला प्रश्न, 2024 में बार्सिलोना ओपन किसने जीता? तो ये जीता है कैस्पर रूड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश के फुटबॉल क्लब सेंट जर्मेन ने ओलंपिक लियोनिस के खिलाफ ए एस मोनाको की 3-0 से हार के बाद अपना रिकॉर्ड 12वां लीग एक खिताब हासिल किया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। अगला प्रश्न, कौन सा देश यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ साझेदारी कर रहा है? तो ये कर रहा है नामीबिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिम्बाब्वे के धन संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई मुद्रा का नाम क्या है? तो ये है जीआईजी, जे जेड आई जी। अगला प्रश्न, मानवीय संकट के बीच अफगानिस्तान को विश्व बैंक से कितनी सहायता मिली? तो ये मिली है 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 के लिए भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह कितना था? तो ये था भाई 2.10 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी और द बुक ऑफ इल्यूजन्स जैसे प्रशंसित कृतियों के लिए जाने जाने वाले किस अमरीकी उपन्यासकार और पटकथा लेखक का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये है पॉल ऑस्टर। अगला प्रश्न, यूके रवांडा स्वैच्छिक योजना के तहत एक निर्वासन शरण चाहने वाले को अधिकतम कितनी राशि मिल सकती है? तो ये मिल सकती है भाई 3,000, जो वहाँ रवांडा की जो करेंसी है उसका निशान ये दिया गया है, 3,000 डॉलर है तो डॉलर, यूरो है तो यूरो। तो अगला प्रश्न, मई 2024 में 4 साल के लिए प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण एसएटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीएस दिनेश कुमार। अगला प्रश्न, चीन के तीसरे विमान वाहक पोत का नाम क्या है जो विद्युत चुंबकीय कैटापल्ट से सुसज्जित होने वाला पहला पोत भी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुजियान। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस कंपनी की भारतीय सहयोगी को लगातार 5वें वर्ष शीर्ष नियोक्ता के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल पीएमआई को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विनय वीर जिनका हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पत्रकारिता। अगला प्रश्न, अमेरिकन एक्सप्रेस ने किस भारतीय शहर में अपने लगभग 10 लाख वर्ग फुट के परिसर का उद्घाटन किया है जो कंपनी द्वारा अब तक खोला गया सबसे बड़ा परिसर है? तो ये है गुरुग्राम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस डेयरी कंपनी को आगामी T20 विश्व कप के लिए यूएसए क्रिकेट टीम का लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया है? तो ये है अमूल। 1 मई 2024 से सभी भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा और उत्पादों के लिए प्रबंधन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? तो ये होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। अगला प्रश्न, किस देश के प्रथम गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये हो रही है रांची में। भारत की ग्रैंड मास्टर की सूची में वैशाली रमेश बाबू किस क्रमांक पर हैं? तो ये हैं 84 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नक्षत्र सवा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया? तो ये किया है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा चित्रकला में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है, यह दिवस किस वर्ष मनाना शुरू किया गया था? तो ये 1999 से मनाना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय
दूर संचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना वर्ष में की गई थी, यानी कि कौन से वर्ष में की गई थी, तो ये की गई थी 1997 में। अगला प्रश्न, 3 मई 2024 को घोषणा के अनुसार आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है सुबोध कुमार जी को, IAS हैं। अगला प्रश्न, अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रस्तावित गहरे समुद्र बंदरगाह विकास स्थल बाटन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है फिलीपींस में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेदांता समूह के अध्यक्ष कौन हैं, वेदांता समूह के अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल साहब। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मई 2024 में जम्मू और कश्मीर के लिए भारत की ग्रैपलिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है सानिया कादरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिकेटर डेवोन थॉम्स जिस पर हाल ही में ICC द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है किस देश से संबंधित हैं, तो ये हैं वेस्ट इंडीज से संबंधित। अगला प्रश्न, मई 2024 में पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है ललिता मंबीगई के। अगला प्रश्न, मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में भाग लिया, तो ये है 23। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मई 2024 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जिसका नाम तामजा ब्लू होल है किस देश में खोजा गया, तो ये खोजा गया मेक्सिको में। अगला प्रश्न, 3 सेट के रोमांचक टाई ब्रेकर में आर्याना संबालेका को हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है ईगा स्वियातेक। अगला प्रश्न, IPL इतिहास में 150 कैच लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये बने हैं MS धोनी। अगला प्रश्न, अमेरिका में आगामी T20 विश्व कप में ICC मैच रेफरी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो ये करेगा जवागल श्रीनाथ साहब। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य के पारंपरिक कारीगरों को कच्छ अजरक के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है, तो कच्छ गुजरात में है। तो अगला प्रश्न, यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के पहले AI राजनयिक का क्या नाम है, तो इसका नाम है विक्टोरिया शी। अगला प्रश्न, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो ये की है भारत का स्थायी मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ISPIRT के साथ। अगला प्रश्न, भारत के साथ साझेदारी के 75वें वर्ष में यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है करीना कपूर खान, अभिनेत्री है। अगला प्रश्न, त्वरित और कम लागत वाले हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत और घाना किस वर्ष अपनी भुगतान प्रणालियों UPI और GSPSS को जोड़ने पर सहमत हुए, तो ये सहमत हुए हैं 2023। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वीडन के लिकोपिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित केवल एक परमाणु मोटी सोने की शीट का नाम क्या है, तो राइट आंसर अपने देख लेते हैं, गोल्डन है इसका नाम। अगला प्रश्न, सिंगापुर यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जहाज भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा नहीं था, तो ये था अरिहंत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ESBC एशिया अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, मई 2024 तक IPL के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं पीयूष चावला। अगला प्रश्न,
विश्व अस्थमा दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या है? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक दिवस पहली बार में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1996 में। सिकल सेल रोग के लिए जीन थेरेपी उपचार का नाम क्या है जो दुनिया के पहले व्यक्ति केंड्रिक क्रोमर को प्राप्त हुआ था? तो ये था लाइफ जेनिया। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है कूल समर्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस कंपनी का नाम क्या है जिसने मई 2024 में अपने मुख्य परिचालन अधिकारी और अध्यक्ष भावेश गुप्ता के इस्तीफे की घोषणा की? तो ये है पेटीएम। अगला प्रश्न, 2024 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट दिवस की विषय वस्तु क्या है? राइट आंसर देख लेते हैं, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड। अगला प्रश्न, पोलाब्रम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, फ्लर्ट कोविड वेरिएंट किस वर्गीकरण से संबंधित है? तो ये संबंधित है ओमिक्रॉन। अगला प्रश्न, किस एथलीट ने टक्सन एरिजोना यूएसए मई 2024 में यूएसएटीएफ फेस्टिवल में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता जीती? तो ये जीती है तेजस्विन शंकर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोमबत्ती मोम से चलने वाला रॉकेट SR-75 कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, 2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ? तो ये विजयी हुआ चीन जनवादी गणराज्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, BRO का पूर्ण रूप क्या है? तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, BRO। अगला प्रश्न, नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किस संगठन ने चलाया? तो ये चलाया भारतीय वायुसेना ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, IIT दिल्ली द्वारा किए गए सर्वेक्षण से भारत में UPI उपयोग के बारे में क्या पता चला? तो ये पता चला है, सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश UPI उपयोगकर्ताओं ने अधिक खर्च की सूचना दी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी कंपनी अगस्त 2024 में पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ये है BSNL। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फॉर्मूला 1 में सनसनीखेज सफलता हासिल करते हुए मियामी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है लेंडो नॉरिस ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया पुणे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा RE पावर पार्क और परियोजनाओं के विकास के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं महात्मा फूले अक्षय ऊर्जा अवसंरचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है पवन सिंधी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत को कितनी धनराशि प्राप्त हुई जिसने एक रिकॉर्ड स्थापित किया? तो ये 111 बिलियन अमरीकी डॉलर। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान महाराष्ट्र के किस जिले में 4491 फिट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, रायरेश्वर किला। तो रायरेश्वर किला ये सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं,
कुसेट CUSAT शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड की प्रजाति का नाम बताइए जो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को श्रद्धांजलि देती है। राइट आंसर देख लेते हैं, वेटिलिप्स चंद्रयानी। अगला प्रश्न, भारत में चिकित्सा उपकरण बाजार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है चौथा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, मई 2024 में भारतीय तटरक्षक ICG ने किस इस्पात उद्योग के साथ स्वदेशी समुद्री ग्रिड स्टील की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है जिंदल स्टील एंड पावर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मई 2024 में हालिया घोषणा में चर्चा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंटार्कटिका अनुसंधान के संबंध में भारत की वर्तमान पहल और योजनाओं को सबसे सटीक रूप दर्शाता है? तो अपने ऑप्शन सारे आपको समय दिया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जिसका लेना है, और अपने इसका डायरेक्ट उत्तर ही देखेंगे। तो इसका डायरेक्ट उत्तर है, भारत का लक्ष्य अंटार्कटिका में अपने मौजूदा मैत्री अनुसंधान स्टेशन को पुनर्जीवित करना और इस योजना को ATCM में प्रस्तुत करना है। तो ये जो है चर्चा के अनुसार कथन है जो स्टीक दर्शाता है। दोबारा पढ़ लेते हैं, भारत का लक्ष्य अंटार्कटिका में अपने मौजूदा मैत्री अनुसंधान स्टेशन को पुनर्जीवित करना और इस योजना को ATCM में प्रस्तुत करना है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, हाल ही में भारत में लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो उपयोगकर्ता को बोर्डिंग पास, लॉयल्टी कार्ड, इवेंट टिकट आदि जैसे आवश्यक डिजिटल दस्तावेज को सहेजने की अनुमति देता है? तो ये हो गया गूगल वॉलेट। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मई 2024 में भारतीय आगंतुकों और अन्य लोगों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दी है श्रीलंका ने। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भारतीय सेना और वायुसेना संयुक्त रूप से गोरखपुर सरसावा बेस पर प्रीडेटर ड्रोन तैनात करेगी। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का निर्माण किस देश ने किया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। मई 2024 में IRDAI द्वारा HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है KK मिस्त्री। अगला प्रश्न, अरामको टीम सीरीज कोरिया में चेक टेरेजा मेलेका और कोरियाई डोयो ओन पार्क की टीम का नेतृत्व करने के लिए कौन तैयार है? तो ये दीक्षा डागर। अगला प्रश्न, IIT भुवनेश्वर और DRDO के बीच सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जैसा कि मई 2024 में उनके हालिया समझौते में बताया गया है? तो इसको अपने देख लेते हैं, इसका उद्देश्य है रक्षा अनुप्रयोग अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित करके आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में रीटा क्यूबा बेलेंको हिमनद खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इसका जो संबंध है वो है कोलंबिया से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा किस वर्ष वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1990। अगला प्रश्न, भारत की किस रक्षा अकादमी ने सैनिक और युद्ध कविता राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ संकलन जारी किया? तो ये जारी किया है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA पुणे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये विषय है, इसका स्कूलों से स्टार्ट तक युवा मस्तिष्कों को नव प्रवर्तन के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, क्रिकेटर कोलिन मुनरो किस देश से हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न, राखी गढ़ी की 4600 साल पुरानी महिला के
डीएनए विश्लेषण में कौन सा घटक सबसे बड़ा पाया गया? तो ये प्राचीन ईरानी। अगला प्रश्न, 2024-25 सीजन के लिए रणजी ट्रॉफी विजेता मुंबई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे बरकरार रखा गया है? तो ये रखा गया है ओमकार सालवी को। अगला प्रश्न, भारत दुनिया भर के प्रतिनिधियों को देश में रचनात्मक अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए कौन फिल्म महोत्सव में भारत पर्व की मेजबानी करने के लिए तैयार है? 77 में। तो अगला प्रश्न, भारत में किस कंपनी की अनुपालन और जोखिम प्रबंधन टीम को अनुपालन और जोखिम प्रबंधन टीम ऑफ द ईयर 2023-24 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है? तो ये है इन्फोसिस। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की है? तो ये की है कोका कोला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेशनल इवेंटिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब किसने जीता? तो ये जीता है स्थवी अस्थाना ने। अगला प्रश्न, किसने गिरोगोर दिमित्रोव को हराकर मियामी ओपन जीता और विश्व नंबर 2 बन गया? तो ये है जेनिक सिनर। अगला प्रश्न, किसने ग्रोगर दिमित्रोव को हराकर मियामी ओपन जीता और विश्व नंबर 2 बन गया? तो ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, जेनिक सिनर। अगला प्रश्न, 2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ? तो ये विजयी हुआ चीन जनवादी गणराज्य। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक CEP 26 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी कोची केरल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ISL 2023-24 सीजन में मुंबई सिटी FC ने किस क्लब को हराकर ISL कप जीता? तो ये जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट। अगला प्रश्न, किस सरकार ने चीड़ की पत्तियों के संग्रह को प्रोत्साहित करके जंगल की आग को कम करने के लिए पेरू लाओ पैसे ला पाओ अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने। 2024 यूनेस्को गिलिमरोमो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये फिलिस्तीनी पत्रकार। अगला प्रश्न, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजीव नोटियाल। अगला प्रश्न, फॉर्मूला 1 में सनसनीखेज सफलता हासिल करते हुए मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है लेंडो नोरिस ने। अगला प्रश्न, भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो ये बन गया है जापान को पीछे छोड़कर। अगला प्रश्न, प्रथम गल्फ यूथ गेम्स UAE 2024 का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया दुबई ओपेरा। अगला प्रश्न, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नरसिंह यादव को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या है? तो ये है भाई अवर नर्सेज अवर फ्यूचर द इकोनॉमी पावर ऑफ केयर। दोबारा देख लेते हैं, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर द इकोनॉमी पावर ऑफ केयर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 का विषय वस्तु। अगले प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? तो ये किया है 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ ने किस शहर में पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुर्ग।
अगला प्रश्न, कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 29वीं चढ़ाई के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वह किस देश से संबंधित है? तो वह संबंधित है नेपाल से। अगला प्रश्न, पंजाबी कवि पद्मश्री सुरजीत पात्र का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्होंने किस वर्ष पद्मश्री जीता था? तो 2012 में। अगला प्रश्न, इदा शिशा नोग्रांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मेघालय। अगला प्रश्न, मई 2024 तक साइबर अपराधों में दुरुपयोग के कारण दूरसंचार विभाग डॉट द्वारा कितने मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है 28,200 मोबाइल हैंडसेट को। अगला प्रश्न, किस पीएसयू के सीएमडी को गाम कनेक्ट से पीएसयू समर्पण पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2024 में चीन कितने डॉलर के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? तो ये उभरा है 118.4 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न, उस ग्रह का नाम बताइए जिसे हाल ही में खगोलविदों ने मई 2024 में वायुमंडल के साथ एक चट्टानी दुनिया के रूप में खोजा है? तो ये खोजा है 55 क्रेंकी ई। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सहरावत। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं इंग्लैंड से संबंधित। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, उन दो खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्होंने पूना क्लब ओपन 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट में एकल खिताब हासिल किया। तो ये हासिल किया है उर्वशी जोशी और सूरज कुमार चांद। अगला प्रश्न, मई 2024 में सर्गेई शोइगु की जगह रूस के नए रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आंद्रेई बेलोसो। अगला प्रश्न, भारत में हाल ही में किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं मालदोवा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के लिए अनुमानित वार्षिक निवेश कितना है? तो ये है 260 अरब डॉलर। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुवाहाटी में। अगला प्रश्न, बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के चौथे महासचिव कौन हैं? तो ये हैं इंद्रमणि पांडे। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई स्किलिंग और फ्रेंच टेक त्वरण में तेजी लाने के लिए फ्रांस में 4 बिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है चंद्रकांत सतीजा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस भारतीय राज्य में सेवारत थे? तो वे बिहार में सेवारत थे। अगला प्रश्न, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति इस सूची में नहीं है? तो ये इसमें नहीं है भागवत पुराण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी कंपनी भारत में अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में केन्या में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 40 टन दवाइयां
चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों सहित मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी है। तो ये भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में मई 2024 माउंट एबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था जिसके कारण आकाश में राख उड़ने से काले बादल बन गए थे, यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संबंधित है। अगला प्रश्न, 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वेयरस्टैपेन ने। अगला प्रश्न, हांगकांग रग्बी सेव्स में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली त्रिसेवा योजना सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परिवर्तन चिंतन। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो है डेंगू की रोकथाम, सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। अगला प्रश्न, मूडीज रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो ये है 0.066। अगला प्रश्न, फिक्की और IEASA के बीच समझौता ज्ञापन MOU का उद्देश्य किस उद्योग सहयोग को समर्थन देना है? तो ये है अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स। केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह ही किया गया है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रोटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो ये कथन सही है इसके विषय में। अगला प्रश्न, मई 2024 में पाकिस्तान द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च की जाने वाली मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो ये नाम है फतेह सेकंड निर्देशित रॉकेट प्रणाली। अगला प्रश्न, दुर्लभ और लुप्त प्राय वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीवेक्टियाटा कुटुम्पुब क्रूनिला को 140 वर्षों बाद किस स्थान पर पुनः खोजा गया? तो इसको खोजा गया है वही पश्चिम घाट में बागामोन पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, किस लेखक को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रस्किन बॉन्ड को। अगला प्रश्न, आगरा में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किया गया पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के लिए सुचारू संचालन के लिए पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन मर्यादा। अगला प्रश्न, किस घटना की स्मृति में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लेजर का पहला सफल राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो इसकी थीम है सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। अगला प्रश्न, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो इसकी थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है जो प्रतिभागियों को विभिन्न कौशल में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 61 विभिन्न कौशल क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए मंच प्रदान करता है इंडिया स्किल 2024 नई दिल्ली में जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में UPI सेवाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी ने लंकापे के साथ साझेदारी की है?
तो ये की है फोनपे ने। अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में स्कॉटलैंड पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो ये है नंदिनी। अगला प्रश्न, 2024 विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन विशिष्ट प्रजातियों पर अवैध वन्य जीव व्यापार के प्रभाव को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, देवदार और अन्य सेम्पीडेनल्स, जिसमें महोगनी और पवित्र लकड़ी शामिल है। सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली वनस्पति प्रजातियां थी जो अवैध वनस्पति व्यापार बाजार पर हावी थी। तो ये है। अगला प्रश्न, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, मई 2024 में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किन दो देशों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, वर्ल्ड एक्टिविटीज द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धियों स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भूटान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कई प्रश्नों को रिपीट किया गया है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको हमने रिपीट किया है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो ये है सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। अगला प्रश्न, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2024 की विषय वस्तु या थीम क्या है? तो ये है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जो प्रतिभागियों को विभिन्न कौशल में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये 61 प्रकार के विभिन्न कौशल और क्षमताएं हैं जिनका प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में UPI सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी ने लंकापे के साथ साझेदारी की? तो ये की है फोनपे के साथ। अगला प्रश्न, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में स्कॉटलैंड पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो ये है नंदिनी। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन विशिष्ट प्रजातियों पर अवैध वन्य जीव व्यापार के प्रभाव को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? तो ये दर्शाता है देवदार और अन्य स्पेंडल्स, जिसमें महोगनी और पवित्र लकड़ी शामिल है। सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली वन्य वनस्पति प्रजाति जो अवैध वनस्पति व्यापार बाजार पर हावी थी। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, यंग यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, मई 2024 में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किन दो देशों से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भूटान में। अगला प्रश्न, भू स्थानिक क्षेत्रों में अपने असाधारण योगदान के लिए मई 2024 में किस संगठन को जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है इन स्पेस। अगला प्रश्न, कोरेशियाई सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है, जिसे मई 2024 में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो उनके तीसरे कार्यकाल को चिन्हित करेगा? तो ये आंद्रेज प्लेकोविच। अगला प्रश्न, CNN के जॉर्ज रामसे के अनुसार फोर्ब्स की विश्व की सबसे अधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला TMSW के दूसरे संस्करण में भाग नहीं लिया? तो ये है वियतनाम। अगला प्रश्न, सिंगापुर में सी
ITICT पैरा तैराकी विश्व सीरीज चैंपियनशिप में पैरा तैराक विनीत रॉय ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अगला प्रश्न, हाल ही में किन दो संस्थाओं ने एरोस्पेस क्षेत्र में उद्यमशीलता अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? अगला प्रश्न, गरुड़ एरोस्पेस और GSFFC यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, मई 2024 में एजेंसी के नए मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है डेविड सालवांगिनी। अगला प्रश्न, ग्रेट वाइडर्स की PVV पार्टी के नेतृत्व वाली आने वाली डच सरकार ने यूरोपीय संघ के प्रवासन नियमों के संबंध में कौन सी बड़ी कार्रवाई करने की घोषणा की है? तो ये की है यूरोपीय संघ के प्रवासन नियमों से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, भारत और UAE के बीच 2024 में अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते के तहत पहली अंतर मंत्रालयीय बैठक के दौरान किस प्रमुख विकास पर चर्चा हुई? तो ये हुई भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEEC की स्थापना। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न, हाल ही में मई 2024 में किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टोलेम को नया राष्ट्रपति नामित किया है? तो ये नामित किया है वियतनाम। अगला प्रश्न, उस फैशन इवेंट का नाम बताइए जहां सऊदी अरब ने मई 2024 में अपना पहला स्विम सूट फैशन शो आयोजित किया? तो ये आयोजित किया रेड सी फैशन वीक। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था 2018 में मिला था इनको। भारत रूस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में AK-203 असोल्ट राइफलों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कोरबा में। अगला प्रश्न, हाल ही में 90 वर्ष की आयु में ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार का नाम बताइए? तो ये है एड ड्वाइट। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खोंड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को किस उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है लाई चिंग ते। अगला प्रश्न, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है कोबे जापान। अगला प्रश्न, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किन दो व्यक्तियों को हराकर थाईलैंड ओपन का पुरस्कार युगल खिताब जीता? तो ये जीता है चैन वो योंग और लू यी। अगला प्रश्न, एलोरडा कप 2024 में किन दो भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है निकहत जरीन और मीनाक्षी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने के लिए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस वर्ष घोषित किया? तो ये 2019 को। अगला प्रश्न, मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है जॉन स्लेवन को। अगला प्रश्न, इंडिया रेंटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अपेक्षित GDP विकास दर कितनी है? तो ये है 6.9 से 7%। अगला प्रश्न,
2024-25 की अवधि के लिए CII अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है संजीव पुरी ने। अगला प्रश्न, 2024 में आर्याना संबालेका के खिलाफ इटालियन ओपन किसने जीता? तो ये जीता है ईगा स्विगियाटेक। अगला प्रश्न, मई 2024 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा अनुमानों पर अध्ययन किस पत्रिका ने प्रकाशित किया? तो ये नक्षत्र। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बीमारी के लिए mRNA तकनीक का उपयोग करके एक नया टीका विकसित किया जा रहा है? तो ये है इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न, किस खाद्य वितरण कंपनी ने अपनी धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शील्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये की है भाई स्विगी। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। अगला प्रश्न, उस पाकिस्तानी पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग किए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो ये है सरवाज खान। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 तक वैश्विक शेयर बाजार में भारत का नाम कौन सा है? तो भारत का नाम है पाँचवा, भारत का स्थान पाँचवा। अगला प्रश्न, किस वर्ष 24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल कारोबार में किस बैंक ने सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की? तो ये दर्ज की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा शुरू किए गए DRIMS प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है एकता बयान। अगला प्रश्न, मई 2024 में यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने किस अधिनियम को अपनी अंतिम स्वीकृति दी? तो ये दी है यूरोपियन संघ कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, किस डोमेन के प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं पशु वैक्सीन शीत श्रृंखला प्रबंधन। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के एक राजनीतिज्ञ हैं? तो ये हैं इजराइल के। अगला प्रश्न, 2026 और 2029 AFC महिला एशियाई कप के लिए किन दो देशों को मेजबान के रूप में पुष्टि की गई है? तो ये की गई है ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न, परिवर्तनशील खगोलीय पिंडों में अभूतपूर्व खोजों के लिए 2024 के खगोल विज्ञान में शो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। अगला प्रश्न, किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने 2023-24 सीजन तक लगातार 4 प्रीमियर लीग खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है मैनचेस्टर सिटी। अगला प्रश्न, मई 2024 में आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने किस देश को मान्यता देने की घोषणा की? तो ये की है फिलिस्तीन। अगला प्रश्न, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध महिला कौन बनी? तो ये बनी है ज्योति रात्रे। अगला प्रश्न, FABEXA फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गांधीनगर। अगला प्रश्न, टोक्यो विश्वविद्यालय की नवनिर्मित अटाकामा वेधशाला TAO कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सेरो चांजन तोर चिली। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलियाराजा संगीत शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र से संबद्ध है? तो ये है IIT मद्रास।
अगला प्रश्न, किस कंपनी को मई 2024 में जेनेरिक अस्थमा की दवा के विपणन के लिए USFDA की मंजूरी मिली है? तो ये है जाइडस लाइफ साइंसेज। अगला प्रश्न, UNCCD की रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया है कि विश्व की आधी चारागाह भूमि शरित हो चुकी है। चारागाह भूमि का क्या अर्थ है? चारागाह भूमि का अर्थ है पशुधन या जंगली जानवरों द्वारा चराए जाने वाले प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है? तो ये दिया है कर्नाटक। अगला प्रश्न, कौन सा देश भारतीय तेल निगम से 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल प्राप्त करने वाला है? तो ये है श्रीलंका। अगला प्रश्न, मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश कौन हैं? तो ये हैं जया बड़ीगा। अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात में किस देश के राजनयिक मिशनों को 5वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है भारत। अगला प्रश्न, भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है मिशन ईशान। अगला प्रश्न, किस जर्मन फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो ये की है टोनी क्रोस। अगला प्रश्न, किस देश के ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्कैंडल से 30,000 लोग संक्रमित हुए तथा 3,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में उत्तर भारत में मोस्ट ट्रस्टेड कॉटन सीड ब्रांड के पुरस्कार से किस कंपनी को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है VR ग्वारगम प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न, नोएडा की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक को अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आरती। अगला प्रश्न, किस हेमसवर्थ को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया? क्रिस हेम्सवर्थ को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर सम्मानित क्यों किया गया? तो ये चलचित्र में उनके योगदान के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तराखंड में पहली बार किस महत्वपूर्ण पक्षी को देखा गया? तो ये देखा गया है चीनी तालाब बगुला। अगला प्रश्न, भारतीय घुड़सवारी महासंघ की तथर्थ प्रशासनिक समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं नजमी बजीरी। अगला प्रश्न, नेफेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जेठा अहीर। अगला प्रश्न, मई 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अल्लामाए हलीना। अगला प्रश्न, अनसुईया सेन गुप्ता ने किस महोत्सव में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो जीता है कान फिल्म समारोह। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मार्कार दिवस घोषित किया गया? तो ये 24 मई। अगला प्रश्न, किस उपलब्धि के कारण मुनीब अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है डेटा उल्लंघन की कमजोरियों का पता लगाना। 2024-25 की अवधि के लिए CII अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है संजीव पुरी। अगला प्रश्न, परिवर्तनशील खगोलीय पिंडों में अभूतपूर्व खोजों के लिए 2024 के खगोल विज्ञान में शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। अगला प्रश्न, मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है वेनेजुएला। अगला प्रश्न,
सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किन दो व्यक्तियों को हराकर थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल खिताब जीता है? तो ये जीता है चेन वो जोंग और यू ली को हराकर। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है स्पेन। अगला प्रश्न, भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है मिशन ईशान। अगला प्रश्न, कारगिल में BRO परियोजना का नाम क्या है जिसे रिजुपेव RUPAVE सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया? तो ये है प्रोजेक्ट विजेक। अगला प्रश्न, उपन्यास केरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है भाई जेनी एर्पनबेक और माइकल हाफमैन। अगला प्रश्न, रिचर्ड एम शेरमैन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रिचर्ड एम शेरमैन अपने कैरियर में किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं डीजी फिल्म क्लासिक्स के लिए गाने लिखने के लिए। अगला प्रश्न, रोहित शर्मा को पछाड़कर T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम। अगला प्रश्न, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS प्रगति 2024 पहल शुरू कर रहा है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा शुरू की गई प्रगति 2024 पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है शोधकर्ताओं और आयुर्वेद औषधि उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दीपा कर्माकर। अगला प्रश्न, खालिस्तान ने सुदेवा दिल्ली FC को 2-1 से हराकर AIFF U17 एलिट यूथ लीग 2023-24 का खिताब जीता? तो ये जीता है क्लासिक फुटबॉल अकादमी। अगला प्रश्न, 2024 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम दौर में पुनः चुनाव किसने जीता? तो ये जीता है गितानस नोसेदा। अगला प्रश्न, आयुष मंत्रालय ने के सहयोग से एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र और आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सूचना साझा करने में सुविधा प्रदान करना था? तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो ये है सुनील नरेन। अगला प्रश्न, बेटे नेश विश्व की सबसे लंबे समय तक क्षेत्र में सेवारत रही। उन्होंने अमेरिकन एयरलाइंस के साथ विमानन उद्योग में लगभग 67 वर्षों तक कार्य किया। 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो उन्होंने कार्य किया है विमानन। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना को हुई कब हुई? यानी कि 7 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में फसल का मौसम नहीं है? तो ये बोरो। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर समीर वी कामत। अगला प्रश्न, नए सेना लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है जनरल MM नरवणे का। अगला प्रश्न, तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अगला प्रश्न, मिस USA 2023 के रूप में सुवाना गेकिविज किस राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये करती हैं हवाई। अगला प्रश्न, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, 2024 मई तक वियना में आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शेपिंग द फ्यूचर आइकॉन्स 2024 की सह अध्यक्षता किन देशों ने की?
तो ये कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो इसकी थीम है थ्राइविंग मदर्स। अगला प्रश्न, पूर्णिमा श्रेष्ठ 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ किस देश से हैं? तो ये हैं नेपाल से। अगला प्रश्न, नए शोध से पता चलता है कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है सूर्य की सतह से 32,200 किलोमीटर नीचे। अगला प्रश्न, भारत ने मई 2024 में आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता की पेशकश की है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो इसकी है पोर्ट मोरेस्बी। अगला प्रश्न, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए 44वां डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, नए निवेश दौर से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है $7 बिलियन। अगला प्रश्न, नासा के प्री फायर मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करना। अगला प्रश्न, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता तथा 1931 के बाद से अपनी घरेलू रेस जीतने वाले पहले मोनेगास्क ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये मोनेगास्क ड्राइवर बने हैं चार्ल्स लेक्लर्क। अगला प्रश्न, रूस से बचाव के लिए कितने नाटो देश मिलकर ड्रोन वॉल बनाने जा रहे हैं? तो ये बनाने जा रहे हैं 6। अगला प्रश्न, सोनी इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गौरव बनर्जी को। अगला प्रश्न, भारतीय शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। मेजर राधिका सेन भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? तो ये उत्तरा हिमाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न, गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो ये मनाता है 30 मई को। अगला प्रश्न, आउटलुक प्लेनेट सेंसिबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC और NF गैर जीवाश्म ईंधन व्यवसाय श्रेणी में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी एंड अवार्ड 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था गोवा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय कौशल विकास NSDC और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बीच साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये है कौशल विकास और आजीवन अधिगम को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, DRDO ने रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रुद्रम सेकेंड किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह है हवा से सतह पर मार करने वाली। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, देश का पहला और विश्व का तीसरा सार्वजनिक रोपवे रज्जू मार्ग किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वाराणसी में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, एशियाई चैंपियनशिप 2024 में भारतीय आर्म रेसलर दल ने कितने पदक जीते? तो इसने जीते हैं 7 पदक। अगला प्रश्न, समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, सत्यदीप गुप्ता की एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से दोनों पर 2 बार चढ़ने की उपलब्धि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये डबल डुअल एसेंट को नाम से। अगला प्रश्न, विदेश मंत्रालय MEA इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY तथा CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो ये है ई माइग्रेट सेवाओं के लिए CSC और SPV और विदेश मंत्रालय MEA के बीच तालमेल बनाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 30 मई को। अगला प्रश्न, 11 इंटू एक्टम बार्ज परियोजना का 6वां बार्ज जिसका नाम LS लसाम 20 यार्ड 130 है
सेना की किस शाखा के लिए लॉन्च किया गया था? तो ये भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अलास्का अमेरिका पहुंची? तो ये पहुंची है व्यायाम रेड फ्लैग 24। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए 2024 फोर्ट्रेस साइबर सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है स्टारटेक ने। अगला प्रश्न, किस देश ने 2024 से 2026 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? तो ये भारत। अगला प्रश्न, मई 2024 में NARCL के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? तो ये किया गया है पी संतोष को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, मात्र 47 एक दिवसीय मैचों में यह उपलब्धि हासिल कर सबसे तेज 100 एक दिवसीय विकेट पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है सोफी एक्लेस्टोन। अगला प्रश्न, किस निजी कंपनी ने 30 मई 2024 को दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अग्निबाण रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये है अग्निकुल कॉस्मोस। अगला प्रश्न, मुंबई में 2024 में SCM सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन है? तो ये है सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, 2023 में ABD द्वारा भारत को दिए जाने वाले ऋण की कुल राशि कितनी है? तो ये है $2.6 बिलियन। अगला प्रश्न, 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर के लिए मॉर्गन स्टेनली का पूर्वानुमान क्या है? तो ये है 0.068